आज हम सीख रहे हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप क्या होता है, लूप की तीसरी किस्म है ये, वाइल और डू वाइल के बाद। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल लेंगे, कंट्रोल, पहले बेसिक कोड लिख लेते हैं अपना प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंटीजर मैन। सी आउट एंडल रिटर्न सिस्टम पास। अच्छा आपको ये तो क्लियर है ना, सिस्टम पास क्यों लिखते हैं, सी आउट एंडल क्यों लिखते हैं, इंटीजर मैन क्यों लिखते हैं, रिटर्न जीरो क्यों लिखते हैं, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो आगे बढ़ जाए फिर ये आपको जो है आ नहीं रहा हो। ये हमारी हो गई क्लास 33 द फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप का जो तरीकेकार है काम करने का, यानी कि तरीका है वारदात जो है, पहले ये समझें फॉर लूप और वाइल और डू वाइल लूप में क्या फर्क है। देखें वाइल और डू वाइल में तो आपको समझ में आ गया, एक बिफोर कंडीशन चेक करेगा, एक आफ्टर कंडीशन चेक करेगा। तो फॉर लूप कैसे काम करेगा, जब ये भी कोड को रिपीट करेगा, तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि सिंटैक्स कैसे लिखना है, FOR लिखना है, दिस इज द कमांड कोड, ये इसके आगे दो ब्रैकेट, इसमें हम एक्सप्रेशन पास करेंगे फॉर लूप के, ये इसकी आ गई बॉडी, जिसमें बॉडी ब्लॉक जिसको ये परफॉर्म करेगा, ये इसका सिंटैक्स है। अब इसके अंदर हमें तीन एक्सप्रेशन पास करने हैं, इनिशियल वैल्यू, एंड वैल्यू और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मतलब कहां से शुरू करना है लूप को, कहां पर एंड करना है, और स्टार्ट और एंड के दरमियान में स्टार्ट और एंड से तक पहुंचने का मेथड क्या होगा। मतलब मैंने कहा आपको यहां से शुरू करना है फर्स्ट स्टेप से और जाना है 100 स्टेप तक, ओके? तो आप कहेंगे सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू मूव फ्रॉम 1 to 100। व्हाट डज इट मीन, सर मैं 1-1 स्टेप करके जाऊं, मैं 2-2 स्टेप करके जाऊं, मैं 4-4 स्टेप करके जाऊं, मैं 8-8 स्टेप करके जाऊं, मैं 10-10 स्टेप करके जाऊं, मैं 20 या डायरेक्ट 50 और 100 दो स्टेप में चली जाऊं। तो दिस इज द प्रोसीजर। तो अब यहां पर आते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं कोई भी इंटीजर टाइप का आई। ये सपोर्टिव है, ये लूप के लिए नेसेसरी है, अगर ये आप नहीं करेंगे तो ये फिर आगे लूप की हम एक्सप्रेशन कैसे पास करेंगे। और इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो भी कर देते हैं और यहां पर आ जाते हैं, अब इसी वेरिएबल को इसके अंदर यूज करेंगे। तो हम कह रहे हैं i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 और इंक्रीमेंट i++। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लूप। कितनी बार चलेगा ये लूप, 1 से स्टार्ट करेगा, ऑलवेज 1 प्लस करेगा, तो i की वैल्यू 1, 2, 3, तो 10 टाइम्स ये लूप परफॉर्म करेगा। तो इसके अंदर हम एक स्टेट लिख देते हैं, सी आउट लेस देन द फॉर लूप, ठीक है, सेमीकोलन, और न्यू लाइन के लिए एंड लाइन लगा देते हैं और यहां पे आ गया, सेव एंड रन किया प्रोग्राम को, सही है। अब इसी में चेंजेस कर ले समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर i की वैल्यू को भी आउटपुट ले सकते हैं, यहां पर एक और लेस देन लगाया और यहां पे i की वैल्यू का आउटपुट भी ले लिया, यहां एक स्पेस दे दिया, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से आप कुछ और भी कर सकते हैं, एक और वेरिएबल ले लें, इंटीजर j के नाम से एक वेरिएबल ले लें, उसकी इनिशियल वैल्यू 1 रख दें और इसको भी इंक्रीमेंट करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, j प्लस प्लस लिख दिया अंदर और यहां पे लास्ट में आउट ले लिया आपने, सी आउट लेस देन j, ठीक है, और यहां पे इस तरह से कर दिया, तो आउटपुट देखें किस तरह का आएगा। लास्ट में 11 क्यों हो रहा है, क्योंकि j की वैल्यू में 1-1 प्लस हो रहा है। अब 2-2 प्लस करना है तो असाइनमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे आगे, असाइनमेंट इक्वल टू 2 लिख देंगे, तो ऑलवेज j की वैल्यू में कितने ऐड होंगे, तो j की वैल्यू 21 हो जाएगी जबकि उसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। इस तरह 2 की जगह 4, 4 की जगह 5 कर सकते हैं। अच्छा अब i की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको अगर सिर्फ लेस देन लगाएंगे तो अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 9 टाइम्स चलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको 0 कर देंगे तो अब ये दोबारा से 10 टाइम्स चलेगा। इसी तरह से हम इस पर थोड़ा सा और चेंज करते हैं,
अगर आई की वैल्यू इनिशियल 2 रख देंगे और इसको 10 कर देंगे और प्लस के साथ असाइनमेंट लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ से 2 कर देंगे, एफ रन कर देंगे, तो ये देखिए 2, 4, 6, 8 ये हो गया आपके कौन से इवन नंबर्स हो गए। और अगर ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 करेंगे, लेस देन 11 कर देते हैं इसको, या इक्वल टू 11 कर देते हैं, और यहाँ पे प्लस 2 रखेंगे तो ये 135 ऑड नंबर को प्रिंट कर देगा। ये डिफरेंट मेथड है इसको चलाने के। फॉर एग्जाम्पल अब आप इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि ये प्लस इक्वल के अलावा आप माइनस भी कर सकते हैं, रिवर्सिंग में भी कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू लेट सपोज आप 10 कर देते हैं और रिवर्सिंग के लिए आप इसको कर देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर देंगे, और यहाँ पर प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस कर देंगे। तो अब देखिए, और इसी तरीके से अगर आप इसको सपोज टू बी माइनस माइनस में एक प्लस हो रहा है तो आप दो दो माइनस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से माइनस इक्वल टू 2 कर देंगे, और इस तरह से अगर आप उसमें रिवर्सिंग में चाह रहे हैं और इसको फिर यहां से 11 से स्टार्ट करेंगे और 1 पे लेकर आएंगे, माइनस 2 रखेंगे, तो कुछ इस तरह के ऑड नंबर रिवर्स में हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी ऐसी हो सकता है कि आप अगर आई की वैल्यू को 1 पे रखते हैं, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं आई की वैल्यू को आप 1 पे रखें और इसको 10 टाइम ही हम प्ले कराते हैं, सपोज बी लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं और यहाँ पे एक आई को प्लस करते हैं और ये आई प्लस हो रहा है, इसमें जे की वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं। तो जे की वैल्यू को रिवर्स कैसे करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 10 कर देते हैं और यहाँ से जो है इसको रिवर्सिंग के लिए माइनस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, और साथ साथ इसका भी आउट ले लेते हैं, सी आउट लेस देन, और यहाँ पे जे की वैल्यू को आउटपुट कर देते हैं और यहाँ पर जो है जे लिख देते हैं उसके आगे। ठीक है, तो ये इस तरह से एक आउटपुट बन जाएगा, तो एक इंक्रीमेंट होगा और दूसरा रिवर्स हो जाएगा। देख रहे हैं, एक इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरा रिवर्स हो रहा है। अब जब इंक्रीमेंट और रिवर्स दोनों एक साथ होगा तो आउटपुट ऐसा आएगा, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 1, ये दो पैटर्न्स है। तो इस तरह का आउटपुट भी आप बना सकते हैं, एक रिवर्स हो रहा है एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो लूप इंक्रीमेंट में चल रहा है, अंदर रिवर्सिंग है, मल्टीप्लीकेशन है, जो भी है वो आप इजिली इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं।